किसी जंगल में टोनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह लीची बेचकर अपना गुजारा करती थी। वह जंगल जाकर लीची ढूंढती और उसे तोड़कर बाजारों में बेचती। एक दिन की बात है, हर रोज की तरह वह बाजार में लीची बेच रही थी। तभी वहाँ टुनटुनी नाम की एक घमंडी चिड़िया आती है और कहती है, अरे ओ चिड़िया, कल तुमने मुझे लीची दिया था, कुछ याद है? हाँ हाँ दीदी, मुझे याद है, पर क्या हुआ बताइए। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे सारे लीची ताजे होते हैं, पर वे लीची तो सड़े हुए थे और मुझे अपने घर पर बहुत डांट पड़ी। तुमने मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए। नहीं नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरे लीची तो खराब हो ही नहीं सकते। मैं रोज जंगल जाकर लीची लाती हूँ और बिल्कुल ताजे ताजे लीची लाती हूँ, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो तुम कहना क्या चाहते हो, कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं थोड़े से लीची के लिए झूठ बोलूँगी। मैं अमीर घर की बेटी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, समझे? ठीक है दीदी, शायद मेरी लीची ही खराब होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको उसका जुर्माना दे देती हूँ। मैं भी उसके बदले आपको लीची दे देती हूँ, इसे आप ले जाओ, मुझे आप इसका पैसा मत देना। टूनी बहुत भोली चिड़िया थी, उसका फायदा उस चिड़िया ने उठा ली। फिर वह खुशी खुशी लीची लेकर वहाँ से चली जाती है। टूनी घर आ जाती है और सोचती है, पता नहीं टुनटुनी दीदी को मेरी लीची कैसे खराब लग गई। शायद मेरी लीची ही खराब थी। अब मुझे जंगल से अच्छी अच्छी लीची लाने होंगे, मैं एकदम ताजे लीची लाऊंगी, एकदम ताजे, फिर मुझसे किसी को भी शिकायत नहीं होगी। अगर इस तरह चलता रहा तो कोई मुझसे लीची खरीदेगा ही नहीं, फिर मेरा गुजारा कैसे होगा। मैं एक काम करती हूँ, अभी मैं लीची लाने चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया लीची लाने जंगल की ओर चल पड़ती है। जंगल में काफी देर तक उड़ने के बाद भी उसे लीची नहीं मिलता। फिर वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे बहुत ही खूबसूरत और एक बड़ा सा लीची का पेड़ दिखता है। उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर लीची लगे हुए थे। वह उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे तोड़ने के लिए उसके पास चली जाती है। इससे पहले कि वह लीची तोड़ती, उसे आवाज आती है, टूनी तुम ऐसा मत करो, तुम मेरे पेड़ से लीची मत तोड़ो, मुझे बहुत दर्द होता है, मत तोड़ो टूनी, मत तोड़ो। टूनी उस पेड़ को बोलता हुआ देखकर हक्का बक्का रह जाती है। क्या क्या तुम एक पेड़ हो और पेड़ होकर भी बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? टूनी मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ, असल में मैं एक परी हूँ, मुझे एक जादूगर ने पेड़ बना दिया ताकि मैं किसी की मदद ना कर सकूं। जब भी यहाँ कोई आता है वह लीची तोड़कर ले जाता है, पर इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम बहुत दयालु लग रही हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम लीची मत तोड़ो। ठीक है परी, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा लीची नहीं तोड़ूंगी, किसी को तकलीफ देकर मुझे क्या फायदा होगा। लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, पर मुझे लीची की बहुत जरूरत है, मैं रोज रोज लीची बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाकर लीची ढूंढती हूँ। ठीक है टूनी, मैं तुम्हें लीची तो नहीं दे सकती, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। फिर पेड़ टूनी को एक बड़ा सा लीची देती है। तब टूनी उसे देखकर कहती है, अरे ये लीची तो बहुत ही सुंदर है और ये कितनी अद्भुत है, इतनी बड़ी लीची तो मैंने कभी नहीं देखी। मैं इस लीची को किसी को भी नहीं दूंगी, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। टूनी तुम मेरी एक बात सुनो, तुम इस लीची को ले जाकर घर में मत रखना, इसे ले जाकर तुम अपने आंगन में लगा देना, फिर दो दिन के बाद इसका कमाल नजर आएगा। फिर टूनी वहाँ से अपना घर चली जाती है और उस लीची को अपने आंगन में लगा देती है और फिर लीची बेचने चली जाती है। इस तरह दो दिन गुजर जाते हैं। फिर जब एक दिन टूनी अपने घर से निकलती है तो वह देखती है कि जहाँ उसने वह लीची बोया था वहाँ तो एक लीची का एक बड़ा सा घर बन चुका था, जो बड़ा शानदार और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अरे ये क्या हो गया, ये तो लीची का एक घर बन गया, मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। फिर टूनी उस घर के अंदर चली जाती है। वह घर के अंदर जाकर देखती है कि वह तो अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत है। तभी उस घर से आवाज आती है,
टूनी, मैं इस घर की रखवाली करती हूँ, मुझे तुम्हारी भी रखवाली करनी है। मुझे उस परी ने उपदेश दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। टूनी, तुम बहुत दयालु हो, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम इस घर से बाहर निकल कर तो देखो, तुम्हारे आंगन में एक बहुत ही बड़ा लीची का पेड़ निकल आया। अब तुम उस पेड़ से लीची तोड़ कर आराम से लीची बेच सकती हो और इस घर में अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। टूनी बहुत ही खुश हो जाती है। वह जल्दी से घर से बाहर निकल कर देखती है कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा लीची का पेड़ निकल आया है, जिसमे बहुत सारे लीची लगे हुए थे। अब टूनी की सारी समस्या दूर हो चुकी थी। वह हर रोज उस पेड़ से लीची तोड़कर बाजार में बेचने चली जाती थी। फिर टूनी बहुत ज्यादा तरक्की कर लेती है और एक बड़ी सी दुकान खोल लेती है, जिसमें वह फल बेचा करती है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे, ये तो टूनी है, ये तो वही गरीब टूनी है जो टोकरी में फल बेचा करती थी। आज अचानक इतनी अमीर कैसे हो गयी? पर ऐसा कैसे हुआ, मुझे इसके बारे में जानना होगा। फिर जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है तो टुनटुनी चिड़िया भी उसके साथ चली जाती है और छुप छुप कर उसका घर देख लेती है और किसी तरह सारी कहानी भी उसे पता चल जाती है। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं भी जंगल में उस लीची के पेड़ के पास जाऊंगी और उससे एक बड़ा सा लीची मांगूंगी, तब मेरे पास भी एक ऐसा शानदार घर होगा। फिर क्या था, टुनटुनी चिड़िया लालच में वहाँ से जंगल की ओर चली जाती है और उस लीची के पेड़ के पास चली जाती है। तब लीची का पेड़ बोलता है, रुको रुको बच्ची, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे पेड़ में से लीची तोड़ने तो नहीं आई? देखो, तुम मेरी लीची मत तोड़ना, उसके बदले में तुम जो कहो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुमने जो टूनी को एक बड़ी सी लीची दी थी, वह लीची मुझे तुम दे दो, मुझे एक शानदार लीची का घर चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अरे, मैं तुम्हारी मदद ऐसे कैसे कर सकती हूँ? टूनी बहुत ही गरीब थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की थी। पर तुम तो एक अच्छे खासे घर की लग रही हो, तुम्हें इस मदद की क्या जरूरत है? जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। सोच लो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारा पेड़ काट लूँगी। वो समझ जाती है कि टुनटुनी बहुत लालची है। उसने उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया। ठीक है, तुम मुझे मत काटना, मैं तुम्हें एक बड़ा सा लीची देती हूँ। ऐसा कहकर वह टुनटुनी को एक लीची देती है। उसे देखकर टुनटुनी कहती है, ये क्या है परी, ये तो सड़ा हुआ लीची है, ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम मेरे साथ धोखा करना चाहती हो? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहती। दरअसल बात यह है कि यह जादुई लीची, यह जितना ही खराब होता है उसमें से उतना ही सुंदर घर निकलता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। तुम्हारा घर तो टूनी से भी बड़ा होगा, जाओ ले जाओ इसे और अपने आंगन में लगा दो। टुनटुनी परी की बात को सच मान लेती है और वह लीची लेकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर वह लीची को गाड़ देती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। दो दिन के बाद जब वह अपने घर से बाहर निकलती है तो वह देखती है कि वहाँ पर लीची का एक बहुत ही सुंदर घर निकल आया। तब वह बहुत खुश होती है और उस घर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक जादुई डंडा आता है और टुनटुनी चिड़िया की खूब पिटाई है। अरे नहीं नहीं, कौन मुझे मार रहा है? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कौन हो तुम, क्यों मार रहे हो मुझे? ऐसी क्या गलती की है मैंने? छोड़ दो तुम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कृपया करके मुझे छोड़ दो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। तभी वह डंडा वहाँ से गायब हो जाता है। फिर टुनटुनी जल्द ही उस घर से निकल जाती है और अपना पहले वाला घर में जाना चाहती है। तभी वह देखती है कि वहाँ तो उसका घर है ही नहीं। अरे, ये क्या हो गया, मेरा घर कहाँ चला गया? मेरा घर तो यहाँ पर है ही नहीं, मेरा घर कैसे गायब हो गया, ये क्या हो गया? तभी जादुई लीची के घर से आवाज आती है, टुनटुनी तुम एक बहुत ही लालची चिड़िया, तुम्हारे लालच के कारण ही तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। टुनी तो बहुत अच्छी थी, वह बहुत ही गरीब थी, आज भी वह बहुत दयालु और ईमानदार है और आज भी वह दूसरों की मदद करती है। और तुम तो सिर्फ लालची हो लालची, तुम्हारे पास इतना बड़ा घर था फिर भी तुम और भी शान और शौकत पाना चाहती हो। अरे, अगर तुम्हें और ज्यादा शान और शौकत चाहिए ही था तो तुम्हें उस
उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि इस तरह जबरदस्ती किसी से कोई चीज लूटना चाहिए। तुम्हें इसी का फल मिला, जाओ अब तो तुम्हारा खुद का भी घर गायब हो गया, अब तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। और सच में टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास हो भी जाता है, उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है और इधर टोने चिड़िया आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।